नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा, जब चीन जैसा गहरा यार पाकिस्तान को एक धेला देने को तैयार नहीं है, अमेरिका इस मुल्क को $10,00,000 दे रहा है, शायद यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान मुश्किल से इसमें कुछ पैसे ही रोग की जांच और चिकित्सा पर खर्च करेगा। यकीनन यह मदरसा पैदाइश इस वक्त भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है और इस पैसे को भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल में ला सकती है। इस वक्त कोई भी देश दूसरे देश की सहायता नहीं कर पा रहा है, सभी अपने बलबूते अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान जैसा मुल्क जहां महंगाई और मंदी ने उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, वह भी पाकिस्तान की तरह भिखारी गर्दी पर उतारू नहीं है, मगर पाकिस्तान ने भीख मांगने की बढ़िया नौटंकी चला रखी है। भूटान जैसा देश तक किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है, मगर यह फकीरों का मुल्क कटोरा बजाता घूम रहा है। चीन से लेकर सऊदी अरब, अमेरिका, विश्व बैंक और IMF यानी पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान हर किसी के सामने झोली फैला चुका है। अमीर देशों से भीख की गुहार लगाई जा रही है, मित्र देशों को फोन करके गिड़गिड़ाया जा रहा है। मतलब यह है कि पाकिस्तान इस विपदा में भी भीख मांग कर इतना पैसा जुटा लेना चाहता है कि वह भारत में अपनी करतूतों को नए सिरे से चला सके। बड़ी बात यह है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां धन की मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान बड़ी आसानी से इस पैसे को छुपा जाएगा, यानी बाहर से जो डॉलर आएगा उसका कोई लेखा जोखा भी पाकिस्तान को नहीं देना पड़ेगा। वह इस पैसे को आराम से जमूरों पर खर्च करके बाद में इसे स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ देगा। वैसे भी यह इन तहमंदबाजों का स्वभाव रहा है कि जब भी दुनिया में कुछ हलचल होती है, इनके कटोरे सबसे पहले बजने लगते हैं। यह उनकी उसी नीति का हिस्सा होता है जिसे रेडिकल इस्लाम उत्पन्न करता है। चर्चा तो यही है कि इमरान ने ISI के इशारे पर जानबूझकर पाकिस्तान की गरीबी का रोना रोया है। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की गरीबी और खस्ताहाली पर आंसू बहाए, वह एक चालाक भिखारी के गुण है जो सामने वाले को दलित करके बिना मांगे पैसे ऐंठ लेता है। वैसे ये अंदाजे बया पाकिस्तानी मुल्लाओं में आजादी से पहले रहा है। इनका 72 साल का इतिहास भीख पर ही आश्रित है। इमरान के रोया पिट्टी वाले भाषण के 2 दिन बाद ही अमेरिका को तरस खाकर इस मुल्क को भीख देने की घोषणा करनी पड़ी। मजे की बात यह है कि हर वक्त मदद देने वाला सऊदी अरब इस बार बिल्कुल भी नहीं पसीजा। संयुक्त अरब अमीरात भी इमरान की नौटंकी समझ गया। कतर चुप रहा, पर अमेरिका इस मुल्ला मुल्क के मगरमच्छ वाले आंसुओं में खुद को बहने से नहीं रोक पाया। भारत अपने यहाँ पहले ही 2 वायरस से जूझ रहा है, उसके लिए तीसरा वायरस पाकिस्तान है। ऐसे में भारत के सामने चुनौतियां बढ़ गई है। भारत के लिए इस तीसरे मोर्चे को नजरअंदाज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वह इस बीमारी की आड़ में जमूरों को भारत में भेजने की कोशिश कर सकता है, इसलिए भारतीय सेना को सीमा पर पूरी तरह चौकसी बनाए रखनी होगी। सीमा पार से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि POK में नीलम घाटी में बने लॉन्चिंग पैड पर इस्लामिक आतंकवादी बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। पाक सेना बदली परिस्थितियों का फायदा उठाकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इससे यह संदेह प्रबल होता है कि इमरान भीख का पैसा लेकर उसे पूरी तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। यानी जब सभी देश अपनी घरेलू मुश्किलों से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान रेडिकल इस्लाम से भारत को दहलाने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को चेतने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान को मदद देने वाले देशों को सतर्क करने की जरूरत है। साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता भी जरूर है, या फिर भारत ऐसे प्रयास खुद करे जिससे वह पाकिस्तान पर निगाह बनाए रख सके, अन्यथा आगे चलकर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वह पूंछ कटा सांप है जो हर वक्त भारत को डंग मारने की फिराक में रहता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।